अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा और आज मैं बना रही हूँ हलवा पूरी, जिसके लिए हम सबसे पहले पूरी तैयार करेंगे। तो पूरी तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप फाइन आटा, आधा कप मैदा, हसबे ज़रूरत पानी आटा गूंदने के लिए, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच घी। तो अब सबसे पहले एक बड़े प्याले में हम आटा छान लेंगे। हमेशा आटा छान के इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने आटा छान लिया है, अब इसमें नमक शामिल करेंगे। आटा और मैदा दोनों छान लिया है, अब नमक शामिल करके इसे मिक्स कर लेंगे। अब घी शामिल करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे और अब इस सबको हसबे ज़रूरत पानी से गूंद लेंगे। ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा सख्त, दरमियाना आटा गूंदना है हमें। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे। तो आटा ज़बरदस्त सा गूंद चुका है, अब हम इस पे हाथों पे तेल लगाएंगे और आटे को कवर कर देंगे तेल में। इससे होगा ये कि जो पूरी आटा है वो अच्छा ढलेगा और पूरियाँ बहुत ज़बरदस्ती बनेंगी। तो अब 20 मिनट के लिए हम आटे को ढलने के लिए रख देंगे। तो अब सूजी का हलवा तैयार करेंगे। सूजी का हलवा तैयार करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए। 250 ग्राम सूजी, 650 ग्राम चीनी। अगर आप समझते हैं कि ज़्यादा चीनी है और आप कम चीनी शामिल करना चाहते हैं तो आप कम चीनी भी शामिल कर सकते हैं। 1 कप घी चाहिए, 2 इलायची के दाने चाहिए और 1/4 चाय का चम्मच ऑरेंज फूड कलर चाहिए, जर्दे का रंग। तो अब हम सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल देंगे और घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो घी अच्छे से गर्म चुका है, अब हम इसमें सूजी शामिल करेंगे और सूजी को अच्छे से घी में भून लेंगे। ध्यान रहे कि सूजी जो है वो घी में डिप हुई भी हो। और 10 मिनट के लिए तकरीबन सूजी को हम भून लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं सूजी भूनते हुए, अब हम इसमें इलायची शामिल करेंगे और इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए भूनेंगे। तो 10 मिनट लगे हैं सूजी को भूनने में, सूजी बहुत अच्छे से भून गई। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा भी भून सकते हैं, ज़्यादा भूनने से ज़्यादा अच्छा सूजी का हलवा तैयार होगा। तो अब हम इसमें शामिल कर लेंगे चीनी। आप सारी चीनी डाल दें इसमें इस तरह से। चीनी शामिल करने के बाद इस तरीके से आप थोड़ा सा होल बनाएं चीनी में और पानी शामिल कर दें 2.5 ग्लास। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें फूड कलर शामिल करेंगे और इसे मिक्स करके पकाएंगे ढक्कन हटा के आधा पानी सूखने तक। तो जो पानी है वो आधा सूख चुका है, अब हम इसे ढक्कन बंद करके पकाएंगे पूरा पानी सूखने तक। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे इसे। तो सूजी का हलवा जो है वो तैयार हो चुका है, पानी जो है सूख चुका है। अब हम एक्स्ट्रा घी इसके ऊपर से निकाल लेंगे, अगर आप निकालना चाहते हैं तो, वरना आप मिक्स कर लें डायरेक्ट। तो मैंने एक्स्ट्रा घी निकाल लिया है, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और बहुत ही ज़बरदस्त सूजी का हलवा तैयार है, बाज़ार में ऐसे ही हलवा मिलता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब हम इसे ढक के रख देंगे एक तरफ। अब हम तैयार करेंगे चने। चने तैयार करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए, 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, 2 अदद टमाटर बारीक, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच क्रश किया हुआ साबुत धनिया। आप इसे थोड़ा सा धनिया को रोस्ट कर लें साबुत धनिया को, उसके बाद इसे क्रश कर लें। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, हल्का सा भून लें इसे, हल्का सा रोस्ट कर लें और उसके बाद आप इसे पीस लें। हल्का सा जूस है, हमें नहीं पीसना, बस हल्का सा क्रश करना है। 1/2 चाय का चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 चिकन क्यूब, 1 कप पानी, 2 कप उबले हुए चने। चनों को बॉईल करने के लिए मैंने इसे एक रात पहले भिगो के रख दिया, उसके बाद 1/4 चाय के चम्मच बेकिंग सोडा में बॉईल कर लिया। अब हम एक पतीली लेंगे, उसमें सबसे पहले तेल डालेंगे, उसमें प्याज शामिल करेंगे और प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे।
अब इसमें जो नमक है उसमें से थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर देंगे, जैसे प्याज खस्ता फ्राई होती है। तो अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे टमाटर और फिर इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे उबले हुए चने और इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे, चिकन का 9 क्यूब शामिल करेंगे और इसे मिक्स करके तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, चना तैयार है। अब हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच, और बस इसे मिक्स करके 2 मिनट और पकाएंगे और चना तैयार होगा। आटा जो है ढल चुका है, अब हम आटा निकाल लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट सा आटा है। अब इस तरीके से आटे को करेंगे और इक्वल पेड़े बना लेंगे आटे के। इस तरीके से आप किसी नाइफ्स की मदद से काट लें और इक्वल पेड़े बना लें इसके। तो इस तरीके से मैंने 6 पेड़े बना लिए हैं। अब हम सारे पेड़ों पे तेल लगा के रखेंगे, इस तरीके से ऑयल का ब्रश कर देंगे। तो आप पूरी बेलने के लिए काउंटर पे थोड़ा सा इस तरीके से तेल लगाएंगे। एक पूरी का पेड़ा लेंगे, उसे हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे। आप चाहें तो आप इसे हाथ से भी बेल सकते हैं, पर उस तरह की मोटी पूरी बनेगी। तो अब इस तरीके से आप इसे बेल लें। इस तरीके से तो अब हाथ की मदद से इसे ठीक कर लें इस तरीके से, और इसे इस तरीके से उठा के बिल्कुल गर्म किए हुए ऑयल में डाल दें। पूरी बनाने के लिए ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। आप इस तरीके से पूरी डालें और चम्मच से इस तरीके से हिलाएं, और तेल बहुत गर्म होगा तो आप बहुत एहतियात से कीजिएगा। इसे 10 सेकंड बाद आप टर्न कर लें और 10 सेकंड नीचे से भी पकाएं। अगर आप क्रंची पूरी चाहते हैं तो आप 20 सेकंड पका लें, इस तरीके से क्रंची हो जाएगी। तो बहुत ही नरम और खस्ता पूरी तैयार है। अब हम ये रेडी हो चुकी है, इसी तरीके से सारी पूरी बना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी पूरी तैयार कर ली है। तो चना भी तैयार है, हलवा भी तैयार है। अब आप इस नाश्ते को अचार और दही के साथ सर्व कीजिए, क्योंकि चने दही के साथ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो अगर आप तरकारी की रेसिपी भी चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगी। तरकारी इसके साथ पूरी के साथ खाई जाती है, तो मैं वो पहले से ही डाल चुकी हूँ, तो मैंने इसलिए नहीं डाली। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रमज़ानों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज आ रही हैं, तो आप उसके लिए देखते रहें हफ्साज किचन और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।